बिहार के वैशाली में रविवार रात को भीषण सड़क हादसा हो गया। वैशाली के देसरी थाना क्षेत्र में हुए हादसे में बच्चों और महिला समेत कुल 12 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि सभी लोग खाना खाकर वापस लौट रहे थे, इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इसकी सूचना पुलिस और जिला प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस के जरिए बच्चों के शव और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और सड़क पर भारी जाम भी लगा दिया गया। घटना बहुत दुखद है और लगातार इस रोड में घटना हो रही है, लेकिन हमारे वरीय पदाधिकारी अभी किस प्रकार की घटना है? बहुत इस सहदेव प्रखंड के सभी लोग दुखी है इस घटना से। सब गरीब युवा थे, किसान के बेटा थे और इस घटना से हम लोग बहुत दुखी है। किस गाड़ी से रौंदा गया है? ट्रक से। कितने लोग की मौत हुई है अभी? लगभग 8 से 10 आदमी की मौत हो चुका है। क्या कोई कार्यक्रम था यहाँ पे? न्यूतन कार्यक्रम था, पूजा हो रहा था। जी, भैया पूजा होने वाला। कौन सा जगह है भैया? नया पूर्वी 28। ट्रक की जानकारी है? ट्रक की हमको अभी जानकारी नहीं, अभी तुरंत आए 10 मिनट पहले। और ड्राइवर कहाँ है उसका? ड्राइवर मरा नहीं है, ड्राइवर उसी में है, गाड़ी में ही है। जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हादसे में जान गंवाने वालों को आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है, साथ ही घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी दिए। इसी के साथ पीएमओ की ओर से भी ट्वीट कर कहा गया है कि मृतकों के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की सहायता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।